मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट सूर्य ब्लॉग। तो फिर से आ गया हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। तो आज मैं जा रहा हूँ समय जोर बस्ती से पिछड़ी गांव, छोटा सा गांव है, वो पड़ता है जम्मू जिला में। तो आज का जो ब्लॉगिंग रहेगा पिछड़ी का रहेगा, ब्लॉग नंबर पार्ट नंबर 2 रहेगा। तो चलते हैं धीरे धीरे हम गाँव की ओर और आपको दिखाते हैं पार्ट 2 का ब्लॉग। इसी तरह आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों हम लोग फिलहाल आ चुके हैं सारे बाग, और ये सारे बाग का एक छोटा सा बस्ती है, देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे पिछड़ी गांव की ओर ब्लॉग बनाने के लिए। तो देख सकते हैं ये एक छोटा सा बस्ती है। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यही है रास्ता जाने के लिए पिछड़ी, और हम जा रहे हैं पहाड़ की ओर, सवा लाख बाबा का मंदिर। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जाने का रास्ता है पिछड़ी गांव, और हम लोग जाएंगे पहाड़ की ओर। यहाँ से दिख रहा होगा ये पहाड़, देख सकते हो वो दिख रहा है मंदिर। हम लोग जा रहे हैं वही पहाड़ पे, जा रहे हैं आज वही मंदिर ब्लॉगिंग करने के लिए। पार्ट 2 लेके आ रहे हैं हम लोग न्यू वीडियो। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत नज़ारा है गाँव का। तो दोस्तों हम लोग फिलहाल आए हैं पिछड़ी गांव। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर, और हमारे साथ ये रोहित भाई हैं। फिलहाल हम लोग चाय पी रहे थे और चाय पी चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर, देख सकते हैं एक छोटा सा गांव है। हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर, और वो मंदिर दिख रहा होगा आपको, देख सकते हैं पहाड़ पे मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं मंदिर की ओर, और हमारे साथ रोहित भाई हैं और कुछ यहाँ का आदमी लोग हैं जो हमारे साथ मंदिर जा रहा है। इसी तरह आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो हमें दोस्तों यहाँ कुछ गांव के आदमी मिले हैं, तो इनसे जान लेते हैं कुछ पहाड़ के बारे में। आप यहीं का हैं क्या? हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपका नाम क्या है? अशोक राय। अशोक राय, तो आप पहाड़ के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? पहाड़ के पास बता सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ साल में एक बार पूजा होता है, समझ रहे हो? हाँ, सवा लाख के बाबा के मंदिर भी है, और क्या बोलते हैं शंकर भगवान के भी मंदिर बन रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ शंकर भगवान। तो यहाँ तो अभी सावन में भीड़ उड़ तो चलता होगा? हाँ चलता है। अच्छा चलता है। तो हम लोग चलिए दोस्तों दिखाते हैं मंदिर का आपको, कुछ वीडियो देख सकते हैं जी। ऊपर में ये मंदिर है, सवा लाख बाबा का मंदिर है। तो हम लोग चलते हैं धीरे धीरे ऊपर की ओर, और हमारे साथ जा रहे हैं, तो चलते हैं हम लोग धीरे धीरे पहाड़ की ओर, तो दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे पहाड़ की ओर, ये बहुत चढ़ाव है पहाड़। तो हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे ऊपर की ओर, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ भी एकदम नीला नीला नज़र आ रहा है, और ये छोटा सा बस्ती है, देख सकते हैं दोस्तों आप। और ये जम्मू जिला में पड़ता है, और ये गाँव का नाम पिछड़ी बस्ती है, और ये जम्मू जिला में पड़ता है। तो हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर। हाँ, बहुत अच्छा जगह है, घूमने लायक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यही सवा लाख बाबा मंदिर है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यही है सवा लाख बाबा मंदिर, और यहाँ कहा जाता है कि 12 साल में एक बार पूजा होता है, और बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहता है यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है। देख सकते हैं दोस्तों आप, ये मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भक्तजन आए हैं पूजा करने के लिए। तो हमारे भाई हमें बहुत घुरा चुका है, और पहाड़ पे बहुत बढ़िया लगा हमको यहाँ पे घूर के। तो ये कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप यहाँ पे? अरे कहना क्या चाहते हो? चीज ऐसा है कि संजीवनी बूटी है यहाँ मिलते है, संजीवनी बूटी है इस पहाड़ पे। तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। चलिए, तो किधर है?
क्या चाचा सही बात है क्या, यहाँ सही में संजीवनी बूटी है क्या? सजीवनी बूटी जैसे देखो हम लोग जो जानते हैं वही बता देते हैं, सजीवनी बूटी अब किसको कहता है हम ये नहीं जानते, लेकिन सजीवनी बूटी यही हम लोग बोलते हैं। अच्छा, रियल में तो हम भी दोस्तों देखे नहीं है, लेकिन चाचा लोग बोल रहे हैं कि ये संजीवनी बूटी है, तो आप लोग भी देख के पहचान सकते हैं कि ये सच में संजीवनी बूटी है अथवा नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये संजीवनी बूटी है। तो हम लोग आए पिछड़ी पहाड़ का ब्लॉगिंग करने पर, एक छोटा सा बस्ती है और ये जम्मू जिला में पड़ता है। तो हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे चाचा जी मिले और एक हमारे भाई मिल गए हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फ़िलहाल चलते हैं नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ जो भी था हमने तो दिखा ही दिया। और ये देख सकते हैं ये सब जितना भी है पेड़, टोटल ये संजीवनी बूटी है, ये सब जितना भी है संजीवनी बूटी है। हम अपने लाइफ में कभी हम देखे नहीं है। यहाँ का जो वासी है, गांव का वासी है जो बताता है ये जो है संजीवनी बूटी। आपको फिर से हम दिखा रहे हैं ये संजीवनी बूटी, तो आप देख सकते हैं ये सब जितना भी है सब संजीवनी बूटी है। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये जूम करके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये संजीवनी बूटी है। तो हम भी कुछ तोड़ के अपने घर ले जाएंगे और हम मम्मी से ज़रूर पूछेंगे कि क्या ये सही में संजीवनी बूटी है, लेकिन कहता है यहाँ पर गाँव वाला कि ये संजीवनी बूटी है। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारा यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारा गाछ लगा हुआ है संजीवनी बूटी का। देख सकते हैं ये जितना भी सब भरा हुआ है संजीवनी बूटी से। और कुछ यहाँ पर देख सकते हैं भक्त आए हैं पूजा करने के लिए। तो देख सकते हैं ये नज़ारा, नीला नीला पहाड़ दिख रहा है, देख सकते हैं दोस्तों आपको खूबसूरत नज़ारा है। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग नीचे आ चुके हैं, देख सकते हैं ये गांव का नज़ारा है कुछ। तो देख सकते हैं आप धीरे के हम लोग आ चुके हैं और हमारे कुछ साथी लोग आ रहे हैं और हमारे साथ छोटा बच्चा भी है। देख सकते हैं कुछ ऊपर में है कुछ नीचे में, देख सकते हैं। तो हम जा रहे रोड की ओर और दिखा रहे हैं हमको रोड का नज़ारा थोड़ा। तो हम लोग जा रहे हैं दुकान की ओर। तो देख सकते हैं दोस्तों ये आप, तो देख सकते हैं दोस्तों ये हम कुछ संजीवनी बूटी यहाँ से उखाड़ चुके हैं और हमारे ये अजीत जो हैं यही उखाड़ के लाए हैं संजीवनी बूटी। और हम इसे घर लेके जाएंगे और हम अपने मम्मी को दिखाएंगे। तो हम पार्ट टू में बोले थे कि आपको ज़रूर हम आपके लिए लेकर आएंगे और आपको हम दिखाएंगे संजीवनी बूटी। पिछले बार जो हम फर्स्ट ब्लॉग बनाए थे तो उसमें हम आपको संजीवनी बूटी नहीं दिखा पाए, लेकिन आप देख लीजिए ये संजीवनी बूटी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तो हमारे कुछ साथी देख सकते हैं वहाँ पे दुकान गए हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, देख सकते हैं दोस्तों आपको ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हम आए हैं दुकान की ओर और हमारे कुछ साथी रोहित और किशोर भाई आए हैं अंदर की ओर। तो देख सकते हैं आप लोग हम लोग जा रहे हैं दुकान की ओर। और आपको कभी भी कुछ लेना हो तो मंदिर के बगल में ये दुकान है, तो आप यहां से खरीद सकते हैं। ये छोटा सा किराना दुकान है। तो हमारे पिछला वीडियो जो था मेरा फर्स्ट ब्लॉग यहां का, तो आप तो इनसे मिल ही चुके होंगे, का नाम भी आप जानते होंगे, इनका नाम पूरन राशि है। तो बाकी ये भैया तो नए हैं और इन्हीं का दुकान हम आज आए हैं और ये पार्ट टू लेके हम ब्लॉग लेके आए हैं। और इनका दुकान है छोटा सा किराना दुकान। तो आप कभी भी आइए इस मंदिर पर तो एक बार इनके दुकान पर ज़रूर आइएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा दुकान है और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही दुकान है, तो आप भी कभी आइए यहाँ पिछड़ी गांव, ये जम्मू जिला में पड़ता है। तो आप भी कभी आइए इसके दुकान पे, ज़रूर कुछ ना कुछ लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।